और आज ये खिंचाव को महसूस करेगा और श्वास भर हुए गर्दन को सीधा कर दे। इस अभ्यास को एक बार और दोहराए और श्वास मध्य में गर्दन को धीरे धीरे गोलाकार घड़ियों की सुई की दिशा में दो बार घुमाए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर ले। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर करें। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और इस स्थिति में आधे खिंचाव को महसूस करें। हुए भुजाओं को कंधों के बराबर ले आए। हथेलियों का मुख जमीन की ओर और धीरे धीरे भुजाओं को नीचे ले आए। अब वो कंधों पर रख ले। अब श्वास भरने कोहनियों को सीधा ऊपर की ओर ले जाए और आगे से पीछे की ओर तीन बार घुमाए। जब कोहनियां ऊपर जाएंगी तो श्वास भरेंगे, जब कोहनियां नीचे आए श्वास छोड़ेंगे। और आज ही खिंचाव को महसूस करें। हथेलियां आमने सामने रहेंगी। श्वास भरते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाईं कंधे का स्पर्श करें और इस अवस्था में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आ जाएं। अब इस क्रिया को बाईं ओर से वापस आ जाएं और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए। हथेलियों का मुख नीचे की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और आधे बैठने की स्थिति में रुकें। अब श्वास भरते हुए घुटनों को सीधा कर लें और श्वास छोड़ते हुए भुजाएं नीचे ले आए। आइए अब टेंशन ऑफ कर लें। हथेलियों का मुख नीचे की ओर ले जाए और दोनों भुजाएं कोहनियों से सीधी करते हुए हथेलियों को खिंचाव देते हुए ऊपर की ओर ले जाए। अब श्वास भरते हुए टेंशन उठाएं और दोनों पैरों के पंजों पर संतुलन बनाए रखें। धीरे धीरे एड़ियों को जमीन से स्पर्श करें और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आए और संस्थिति में विश्राम करें। अब अगला आसन